Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? ठीक है बच्चों, ये देखिए saucer कुछ इस तरीके का होगा, गहरी और प्लेट होगी, छोटी होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। ये आपका कप है। अब आपने भी एहसास किया होगा कहीं देर हो रही है तो कप से निकाला और ऐसा saucer में डाला, ऐसा सिप कर गए। मिल्क हो, गर्म दूध हो या गर्म चाय हो, ठीक है, कप में देर लगती है, ऐसा क्यों? बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर मैं कप में यहाँ पे लिक्विड फिल करूंगा, अच्छा इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है इवेपोरेशन क्या होता है? अब जिनको नहीं पता है पहले वो तो वो देख ले कि इवेपोरेशन क्या होता है। सर इवेपोरेशन क्या होता है? बच्चों देखिए, अगर किसी लिक्विड को आप ऐसे ही छोड़ दो, लिक्विड को एक्सपोज टू एयर कर दो, यानी कि छोड़ दो ऐसे ही, देखो इसमें जैसे हमने लिक्विड मान लीजिए छोड़ दिया तो ये एक्सपोज टू एयर है, मतलब यहाँ पे लिक्विड में ऊपर वाली जो लेयर होगी, ऊपर वाली जो सतह होगी, वो किसके कांटेक्ट में होगी? एयर के कांटेक्ट में होगी या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगी। तो इस लिक्विड को अगर आप छोड़ दोगे, छोड़ के चले जाओ, इसको 8-10 घंटे के बाद आप चेक करो, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले कप यहाँ तक भरा था, अब ये यहाँ तक हो जाएगा, ऐसा क्यों हो गया, कहाँ चला गया लिक्विड? तो जवाब है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइल नहीं हुआ वो, आपने उसको गर्म नहीं किया, आपने उसको हीट नहीं दी। बॉइलिंग पॉइंट मान लो इसमें वाटर मैंने भरा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चों इसमें मैं पानी भर के गया था, टेम्परेचर यहाँ रूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना है, यहाँ तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 30 डिग्री सेल्सियस होगा आजकल, ठीक है ना। अब आप आए भाई 8-10 घंटे के बाद, पानी थोड़ा सा कम हो गया, कहाँ गया वो पानी? तो जवाब है जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, 100 के नीचे टेम्परेचर भी कितना है यार 30 डिग्री सेल्सियस, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि उसके वेपर्स बनने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन एक बच्चों कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये आप पानी रख के यहाँ पे चले गए तो क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए ये वाटर है, ठीक है ना, इसमें यहाँ तक थोड़ी देर के बाद देखना आपने वाटर का ये लेवल कम हो गया, क्योंकि बच्चों ये वाटर के वाटर का जो सरफेस है, यहाँ पे सरफेस से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो निकल निकल के कहाँ चले जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में। कैसे निकल के चले जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में? बच्चों वाटर के पार्टिकल्स की या जो भी लिक्विड है उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सर बच्चों एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। फ्री में तो मोशन करेगा नहीं, कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेता है, मतलब समझो ना, वाटर में जब वाटर मतलब लिक्विड के फॉर्म में तब भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या करता है, आसपास से एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को लेता है, और वही हीट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। इस तरीके से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 × mv². m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का क्या मतलब है, मास तो इसका बढ़ेगा नहीं भाई, पार्टिकल का जो मास है वो है, पार्टिकल का मास थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 एक कांस्टेंट है, तो चेक करो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो इसका मतलब v बढ़ गया, यानी कि स्पीड बढ़ गई, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड से ऐसा निकल जाता है तो वेपर बन के निकल जाएगा। अब सिंपल शब्दों में सुनो, क्या करेगा, सरफेस पे कोई पार्टिकल होगा अगर लिक्विड का, तो वो आसपास से हीट लेगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के निकल जाएगा ऐसा कहीं, बस इसी को हम बोलते हैं कि लिक्विड किस में चेंज हो गया, वेपर्स में, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब बच्चों पार्टिकल इवेपोरेट होगा यहाँ से, ठीक है, और गैस के फॉर्म में चले जाएंगे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये जो पार्टिकल है ये आसपास से हीट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो आसपास क्या कर देगा, कूलिंग कर देगा, आसपास कूलिंग कर देगा। याद रखिए इवेपोरेशन, याद रखिएगा बच्चों इवेपोरेशन की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन मीन्स What is the property of evaporation? Evaporation causes cooling. हमेशा याद रखिएगा, जब भी evaporation होगा तो वहाँ पे cooling effect आपको देखने को मिलेगा, आसपास ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? एक बात बताओ बच्चों, इसने आसपास से हीट ले ली ना, आसपास से हीट ले ली, तो हीट आसपास से जब ले ली तो आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो आसपास कूल ही तो लगेगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएं, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन हमेशा किसका का क्या देता है आपको, कूलिंग देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बच्चों एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास ये कप है, ये देखिए ये कप है और ये सॉसर है, ठीक, कप में लिक्विड रखा है, कोई गर्म दूध रखा है या चाय रखी है या गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है ना, और सॉसर में रखा हुआ है, बताइए किसमें इवेपोरेशन फास्टर रेट से होगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेशन किसमें होगा, सॉसर में होगा। क्यों सर? इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एक्सपोज्ड टू एयर या एक्सपोज टू एटमोसफेयर, एक्सपोज टू एयर भी लिख सकते हो, या एटमोस
फेयर भी लिख सकते हो आप। ये क्या बता दिया सर आपने, एक बार बताओ बच्चों, इसमें लिक्विड डालोगे तो ये पूरा एरिया होगा, इतना सारा ये पूरा एरिया होगा, और कप में अगर आप लिक्विड डालोगे तो चेक कर लो ना, ये चेक करो, इतना ही तो एरिया होगा, इतना ही तो एरिया में है, तो इतना एरिया एक्सपोज है। एक्सपोज मतलब किधर खुला हुआ ये एरिया, हाँ एयर की तरफ या एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है ना। और इसको देखो जरा, इसमें इतनी सारी, ये देखिए इतने सारे एरिया में लिक्विड है, सही है। तो बच्चों एक बात बताओ, इवेपोरेशन कौन से पार्टिकल्स का होता है? दो तरीके के आपको लिक्विड के पार्टिकल मिलेंगे, कुछ पार्टिकल तो सरफेस पे होते हैं, इनको हम सरफेस पार्टिकल्स बोलते हैं, और कुछ पार्टिकल अंदर होते हैं, इनको बल्क पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क। अंदर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? बल्क पार्टिकल्स, ये अंदर बल्क में होंगे। और जो पार्टिकल एकदम टॉप वाली सरफेस पे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस के पार्टिकल्स, सरफेस पार्टिकल्स। अब मुझे आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि अंदर वाले? तो जवाब है अंदर से निकल के थोड़ी ना पार्टिकल चला आता है बाहर, जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं वही तो इवेपोरेट होंगे। सबसे ज्यादा फ्रीडम उनको ही तो है ऊपर जाने की ऐसे, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसको धक्का मुक्की लगाते हुए सबको आना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये कम एनर्जी में ही ऐसा छोड़ के बाहर अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के निकल जाएगा। तो सरफेस वाले पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है सॉसर में कि कप में सरफेस एरिया ज्यादा है, बताइए, सॉसर में। तो बच्चों अगर हम आपसे ये पूछें कि किसके सरफेस पे सरफेस पार्टिकल ज्यादा होंगे, सॉसर के सरफेस पे या कप के सरफेस में, किसमें लिक्विड को रख दें? तो जवाब है सॉसर में लिक्विड को रख दीजिए, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। मोर द सरफेस एरिया मोर द पार्टिकल्स अवेलेबल, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही सारे तो पार्टिकल्स होंगे, सही है ना। तो ज्यादा इवेपोरेशन बताइए कहां पे आपको देखने को मिलेगा? सॉसर में, कोई डाउट है बताइए। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोज होगा वहीं पे इवेपोरेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब एक बात बताइए बच्चों, ज्यादा इवेपोरेशन, चाय का ज्यादा इवेपोरेशन कहां होगा? तो जवाब है सॉसर में। और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा कूलिंग होगी, या आसपास क्या कर देता है? कूलिंग इफेक्ट, तो हमको ठंडा लगता है, हम आराम से पी लेते हैं। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कप में इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? कम होता है, यानी कि पर सेकंड अगर इसमें 100 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं तो पर सेकंड इसमें 1000 पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे होंगे। चेक करो, यहाँ पे इतना कम सरफेस एरिया, यहाँ पे इतना ज्यादा सरफेस एरिया, ठीक है, चेक करो ना। कप में सिर्फ इतने पोर्शन से पार्टिकल निकल रहे हैं 100, तो इसमें यहां से भी निकल रहा है, 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 बस नहीं नहीं सरफेस से। तो इवेपोरेशन किसमें ज्यादा होगा? तो जवाब है सॉसर में, ठीक है। इसलिए कूलिंग इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा ज्यादा? सॉसर में। इसलिए लोग गर्म चाय को, गर्म पानी को या गर्म दूध को ऐसा सॉसर में डाल के पीते, और आपने देखा होगा गर्म चाय जब आप ऐसा सॉसर में डालते हो तो कुछ ऐसा धुएं जैसा उठता है, आपने देखा है? वो क्या होते हैं बताइए? वो वाटर के पार्टिकल्स ही तो होते हैं जो इवेपोरेट होते हैं। बोलेंगे सर चाय है तो पानी कहां से आ गया? भैया चाय पानी से तो बनती है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, चाय में सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, शुगर वगैरह भी होता है, मना नहीं कर रहे हैं। वो पार्टिकल थोड़ी ना उठ के ऊपर आ जाएगा, लिक्विड वाला आएगा ना, केवल वाटर के पार्टिकल्स आते हैं। अरे कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा हो लिक्विड का, वाटर ही होता है ऑब्वियसली, हमें क्या मतलब है? इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी, सही है बस। बाकी चीनी वीनी सब पी लोगे अंदर चली जाएगी आपके, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपको आंखों से दिखाई थोड़ी ना पड़ेंगे, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहते हैं, क्लास में पढ़ाया। बहरहाल अब आइए स्टार्ट करते हैं, लिखना क्या है सर एग्जाम में? तो लिखना ये है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन लिख दीजिएगा कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये आपको सबसे पहले लिखना है, मैंने लास्ट में लिखा, आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे? अब लिखोगे अ लिक्विड, और ये लिक्विड क्या हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया है? हॉट टी और मिल्क, इसको ब्रैकेट में लिख देना आपको। तो अ लिक्विड मींस हॉट टी और मिल्क हैज अ लार्जर सरफेस एरिया इन सॉसर, हैज अ लार्जर सरफेस एरिया इन सॉसर देन इन अ कप, सही है। Does it evaporates faster and cools faster in a saucer than in a cup? तो इसलिए ये जो लिक्विड है ये ज्यादा अच्छी तरीके से इवेपोरेट होगा, फास्टर रेट से इवेपोरेट होगा और फास्टर तरीके से कूल होगा। बच्चों ध्यान दें, हमने क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा दस इट, इट का मतलब क्या? जो हॉट लिक्विड है उसकी बात कर रहे हैं। दस इट इवेपोरेट, बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इट इवेपोरेट्स फास्टर एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या होता है? एज वेल एज, मतलब ऐसा भी होता है जो एंड के पहले लिखा है और ऐसा भी होता है जो एंड के बाद लिखा हुआ है। एंड के पहले क्या लिखा हुआ है बताइए? इवेपोरेट्स फास्टर, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? कूल्स फास्टर। तो जितना तेजी से इवेपोरेट होगा उतने ही तेजी से तो कूल होगा, ठीक है, जितने तेजी से इवेपोरेट होगा उतने ही तेजी से तो कूल होगा, तो यही तो लिखा है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर, दैट्स व्हाई कूलिंग इज फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप, ठीक है। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। कोई डाउट है बच्चों बताइए? सिंपल है, ठीक है, लिख सकते हैं एग्जाम में।